नमस्कार, मैं माया, 7i न्यूज में आप सभी का स्वागत है। और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास हेडलाइंस पर। छिंदवाड़ा के जुनारदेव में ट्रक और कार की जोरदार भिड़ंत, हादसे में एक बच्ची समेत चार लोगों की मौत। पन्ना के देवेंद्र नगर में प्रशासन की मनमानी से लोग परेशान, इकलौते मार्ग को नहीं कराया दुरुस्त, ग्रामीण हो रहे परेशान। रतलाम के जावरा में एक घर में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। रतलाम में स्कूल प्रशासन ने बच्चों को निकाला, तीन दिन से भटक रहे अभिभावक, नोबल इंटरनेशनल स्कूल का मामला। और अजयगढ़ में मतदाता जागरूक के लिए निकाली गई रैली, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल, ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील। और आइए बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर। छिंदवाड़ा के जुनारदेव में सड़क हादसे में एक 12 साल की बच्ची समेत चार लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सिहोरा मंझोली बाईपास के पास ट्रक और कार की जोरदार भिड़ंत हो गई थी, जिसके बाद कार के परखच्चे उड़ गए थे। वहीं कार में कुल 6 लोग सवार थे, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। सभी यूपी से एक शादी समारोह से जुनारदेव लौट रहे थे। जिला ब्यूरो नकुल विश्वकर्मा की रिपोर्ट। पन्ना जिले की नगर परिषद ककरहटी में प्रशासन की मनमाहनी से लोग परेशान हैं। वहीं नगर परिषद के वार्ड नंबर 14 और 15 को जाने वाले इकलौते मार्ग में कई वर्षों से खाई बनी हुई है, जिसका स्लोप बनाने के लिए ग्रामीणों ने नगर परिषद के तमाम जिम्मेदारों से शिकायत की है, लेकिन प्रशासन के कानों में जूं तक नहीं रहेंगी। वहीं पूर्व में भी इस मामले को लेकर कई बार प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन कुछ मिट्टी डालकर खाना पूर्ति कर लेते हैं, जिसके चलते आज दिनांक तक स्लोप का निर्माण नहीं हो पाया है और समस्या जस की तस बनी हुई है। देवेंद्र नगर से संवाददाता सत्यम पांडे की रिपोर्ट। रतलाम जावरा के ग्राम डोंढर में एक घर में भीषण आग लग गई, काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं घर के मालिक का कहना है कि उनका पूरा घर और घर में रखा सामान, जिसमें चॉकलेट कुरकुरे इत्यादि, पूरी तरह जलकर नष्ट हो चुके हैं। वहीं आग लगने से 10 से 15 लाख का नुकसान हुआ है। आग लगने का कारण अभी पता नहीं चल पाया है। रतलाम के नीमच रोड पर CBSE से मान्यता प्राप्त नोबल इंटरनेशनल स्कूल के बिकने में भले ही समय लगा हो, लेकिन मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग से उसे आनन फानन में नई मान्यता मिल गई है। स्कूल की नई संचालन समिति ने मान्यता आवेदन की अंतिम तिथि 20 मार्च से ठीक 2 दिन पहले यानी 18 मार्च को आवेदन किया, और DEO ने 30 मार्च को 1 से 8 तक की मान्यता जारी कर दी है। इसी बीच कथित रूप से इसका निरीक्षण और प्रतिवेदन करवा लिया गया है, जबकि स्कूल शिक्षा विभाग को स्कूल का रिकॉर्ड, कर्मचारी के हिसाब सहित अन्य स्कूल संचालक प्रबंधन से शपथ पत्र लेना होता है, लेकिन इन सब को दरकिनार करते हुए विभाग ने मान्यता की अनुमति जारी कर दी। इतना ही नहीं, नोबल इंटरनेशनल स्कूल CBSE बोर्ड से संचालित था, ऐसे में नए बोर्ड से मान्यता पर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य पर संकट खड़ा हो गया है। अभी CBSE आंसर शीट में बदलाव की अनुमति भी नहीं मिली। RTI के तहत स्कूल से निकाले गए बच्चों के परिजनों ने बताया कि मामले में केवल आंसर शीट बदल रही है, बच्चे पुराने हैं, मान्यता भी पुरानी है, तो RTE के बच्चों को निकाला क्यों जा रहा है? सभी बच्चों के भविष्य पर संकट है। नए प्रबंधक समिति ने नई मान्यता ली है तो उन्हें बच्चों को प्रवेश देना चाहिए, पुराने बच्चों की स्थिति और बोर्ड में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। इन्होंने जो एप्लीकेशन नंबर जो चल रहे थे इनके नोबल इंटरनेशनल स्कूल के, वो स्कूल के उसी स्कूल के एप्लीकेशन नंबर CBSE नंबर से ये प्रचार कर रहे बोधी इंटरनेशनल स्कूल के, इनकी मान्यता MP बोर्ड की, लेकिन ये इंटरनेशनल अकेडमी के नाम से चालू कर रहे हैं। कौन से स्कूल का नाम वो चला रहे हैं? ये बोधी इंटरनेशनल स्कूल के नाम से चालू कर रहे हैं, लेकिन MP बोर्ड की मान्यता है इनके पास। नेशनल के पैसे लेंगे, नेशनल से भर्ती होंगे, इसका पूरा मेरे पास चार्ट बना हुआ, इतना पैसा इनका लगेगा पूरा। ये नोबल इंटरनेशनल नाम से एक स्कूल यहाँ पर रतलाम में स्थित था, उसके बच्चे थे और ये RTE के थ्रू स्कूल में एडमिशन पाए हुए बच्चे थे। अभी DO से प्राप्त जानकारी के अनुसार उसमें जिसका वो स्कूल था, मतलब जो उसके ओनर्स थे, उन्होंने किसी अन्य स्कूल बोधी इंटरनेशनल स्कूल को इसको अपना कैंपस सेल आउट कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में चूँकि हर स्कूल का एक स्पेसिफिक डायस कोड रहता है, RTE के बच्चों की फ़ीस प्रतिपूर्ति के माध्यम से आती है, तो ये फीस इनकी दोबारा इसमें अभी एक टेक्निकल इशू है जिससे ये नहीं आ पाएगी। तो इसी आशय का पूरा प्रतिवेदन हम अपने ACS एजुकेशन जो है उनको भेजेंगे,
और इनसे जो भी संभव जिला स्तर से मदद हो सकेगी हम उसकी पूरा प्रयास करेंगे कि इन बच्चों का एडमिशन वापस रिस्टोर हो सके। लोकसभा निर्वाचन को मद्देनजर रखते हुए निर्वाचन अधिकारी की उपस्थिति में अजयगढ़ के पुरानी तहसील से जय स्तंभ चौराहे तक कैंडल मार्च निकालकर मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली में स्वर्णिम भारत निर्माण में स्वतंत्र रूप से मतदान करने के लिए स्लोगन और नारों के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया गया। कार्यक्रम में अनुविभागीय अधिकारी आयुषी जैन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी एस के मिश्रा, प्रभारी तहसीलदार अतुल सोनी, नायब तहसीलदार समेत तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। अजयगढ़ से संवाददाता अनिल कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। 6 मई को जो हमारे लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, उसमें सभी मतदाताओं को जागरूक करने के लिए नगरी क्षेत्र में सभी पार्टियों को मिलाते हुए ये कार्यक्रम किया गया है, जिसमें सभी विभाग प्रमुख और हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से लेकर सभी प्रकार के अधिकारी और कर्मचारी इसमें सम्मिलित हुए हैं, ताकि सभी मतदाताओं को ये संदेश दे सकें कि आप सभी वोट करें और अपने अधिकार का प्रयोग करें। देखिए, इसमें सरपंचों को तो नहीं बुलाया गया है, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है, पर हमारे जो शासकीय कर्मचारी हैं, विशेषतौर पर सचिव रोजगार सहायक, वो ऐसे हैं, क्योंकि आज हमारा, कल और आज दो दिन हमारा विकलांगों के जो सहायता के लिए दल बने हैं उनके प्रशिक्षण का कार्यक्रम था, इसलिए वो फील्ड में थे। फील्ड में होने के कारण वो लोग नहीं आ सके, पर जो मुख्यालय में उपस्थित थे सभी लोग। और खबरों में फिलहाल इतना ही, बने रहिए 7i न्यूज के साथ। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और 7i न्यूज को सब्सक्राइब करिए। कौटिल्य एकेडमी